बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की दोपहर में खाने के साथ जब तक कुछ चटनी या रायता वगैरह ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि चटनियाँ जो है हमारे खानों को स्पेशल बनाती हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी, जिसके लिए थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, एक गठी पुदीने की ली है, एक टमाटर लिया है और एक कच्चा मैंगो लिया है। इसको देखते ही मुंह में पानी आता है और दांत जो है वो खट्टे होने शुरू हो जाते हैं। आजकल बहुत मज़े की खट्टी खट्टी सी अंबियाँ जो है वो आई हुई हैं, इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदा देते हैं, इनकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम है तो फिर कम डालें। 3 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अनारदाना, वो मैं लहदा से ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ, वो हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं धनिया और पुदीना बना के इनकी कटिंग करके इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर आपके सामने चटनी तैयार करती हूँ। ये देखिए धनिया और पुदीना मैंने बना के, तो इसको वॉश करके तो मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब ये बकाया चीज़ों की हम कटिंग कर लेते हैं। आजकल ये मैंगो जो है वो अभी नरम है, क्योंकि इनके अंदर ये हड्डी जो है वो नहीं बनी, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए ऐसे ईजिली कट रहे हैं। ये 3 जवे लहसुन की, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और मोटी मोटी सी हरी मिर्चें भी काट लेते हैं। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, अगर आप इसको कुंडी वटे में कूटना चाहें तो उसमें कूट लें, और अगर आसानी चाहती हैं तो आप ग्राइंडर में डाल के इसको जल्दी से ग्राइंड कर लें। ये लीजिए तमाम चीजें हम ब्लेंडर में डाल लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल के मैंने ये तमाम चीज़ें जो इसमें डाली थी मैंने ब्लेंड कर ली हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करते जाते हैं और इसको ब्लेंड करते जाते हैं। ये देखिए तमाम चीज़ें मिक्स करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया, ये तकरीबन ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 टेबल स्पून भर के मैंने कूड़ी में डाल के अनारदाना कूट लिया था, ये इसमें शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें पहले सादा सफ़ेद नमक शामिल कर चुके हैं, अब 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक शामिल करते हैं और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। अब इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम दोबारा से ग्राइंड करते हैं। ये लेकिन माशाल्लाह से ज़बरदस्त केरी की हमारी चटनी जो है वो मज़ेदार स्पाइसी चीज़ों के साथ तैयार है। गर्मियों की दोपहर में तंदूरी रोटी हो, कच्ची लस्सी हो और साथ चटनी हो तो मज़ा आ जाता है, गर्मी का लुत्फ जो है दुबाला हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।